देखिए आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में, यानी सूर्य की संक्रांति के बारे में। सूर्य देव 16 सितंबर को शाम को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य की स्थिति यहां पर बहुत मजबूत नहीं मानी जाती है। सूर्य जब 16 तारीख की शाम को कन्या में प्रवेश करेंगे तो वो अब शुक्र और केतु के साथ हो जाएंगे और उन पर मंगल की और बृहस्पति की दृष्टि पड़ने लगेगी। सूर्य की ये स्थिति न तो बहुत अच्छी है न बहुत बुरी है। सूर्य की ये स्थिति मध्यम फलदायी है, एवरेज है। इसका प्रभाव लगभग एक महीने तक बना रहेगा और अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का बड़ा और गहरा असर भी अगले एक महीने तक कुछ कम कुछ ज्यादा पड़ता रहेगा। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया पर भी असर डालेगा और 12 राशियों के लोगों पर भी अगले एक महीने तक प्रभाव डालेगा। 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन है और 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, तो दोनों को मिला करके अगर कॉम्बिनेशन समझें तो अगले एक महीने का हाल कैसा रहेगा ये आप समझ सकते हैं और इस पर आगे हम चर्चा करते रहेंगे जी। तो अब ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का जो पहली 6 राशि के लोग हैं उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा अब काफी हद तक और आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि धन लाभ के अच्छे योग भी अब आपके लिए बन जाएंगे, यानी स्वास्थ्य भी बेहतर और धन भी बेहतर। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही मत करिएगा। रिश्तों में इस समय आपको समस्या हो सकती है, रिश्तों का ध्यान इस समय बनाए रखना आपके लिए अगले एक महीने तक थोड़ा जरूरी रहेगा। मिथुन राशि, देखिए सूर्य के राशि परिवर्तन से यह कहना है कि करियर में आप कोई रिस्क मत लीजिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, शांति बनाए रखेंगे चलता रहेगा। बड़े बुजुर्ग का परिवार में आपके स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको फायदा होगा, करियर में आपको लाभ होगा और आपके लिए कुछ न कुछ बदलाव की संभावना बन जाएगी। रुका हुआ काम भी इस समय बनेगा, अगर आप थोड़ा एफर्ट करेंगे थोड़ा प्रयास करेंगे तो रुका हुआ काम भी आपका बन जाएगा, अच्छा रहेगा। सिंह राशि,
सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव ये है कि परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इसलिए परिवार में आपको विवादों से इस समय बचना चाहिए। और गाड़ी चलाते हैं, काम करते हैं, थोड़ा अलर्ट रहिएगा, चोट की चपेट में आ सकते हैं, चोट चपेट आपको लग सकती है। कन्या राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके करियर में एकदम से प्रॉब्लम दे सकता है, करियर में आपको समस्या हो सकती है, सतर्क रहिए, नौकरी ना चली जाए, कोई रिस्क लापरवाही जैसा काम मत करिएगा। प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर के बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इसको लेकर के सावधानी बनाए रखिएगा। तो हमने मेष राशि से लेके कन्या राशि तक जान लिया कि सूर्य के राशि परिवर्तन का इन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि, देखिए सूर्य के राशि परिवर्तन से सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में कृपा करके कोई लापरवाही मत करिएगा। ब्लड प्रेशर है तो ज्यादा अलर्ट रहिएगा। धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, पैसों के फिजूल खर्ची से भी थोड़ा बचिए। वृश्चिक राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएंगे, अगले एक महीने में एफर्ट करके देखिए। संपत्ति और धन का फायदा होता हुआ भी आपके लिए जरूर दिखाई दे रहा है, आपको लाभ हो सकता है। धनु राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके करियर में कोई अच्छा और महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है, आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी पोजीशन बेहतर हो जाए, करियर में कुछ चेंज हो जो फायदेमंद हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे, आपके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से ऑफिस में विवाद ना हो, तनाव ना हो, ऑफिस के कार्यों में सावधानी बनाए रखिएगा। और जहां तक संभव हो भैया, अगले एक महीने तक गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, अन्यथा चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। कुंभ राशि, देखिए सूर्य के राशि परिवर्तन से सतर्क रहें, चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, बचने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा इस समय, इस समय जल्दबाजी में लिया गया आपका निर्णय गलत हो सकता है। मीन राशि, करियर में आपके दिक्कतें आ सकती हैं सूर्य के राशि परिवर्तन से, नौकरी छूट न जाए, चली न जाए, ये खतरा है आपके लिए। और अगर आपकी राशि मीन है, आप गर्भवती महिला हैं, तो थोड़ा ज्यादा सावधानी रखिएगा, सेहत में लापरवाही मत करिएगा। अब आपने ये देखा कि जो 12 राशियां हैं उसमें से 4 राशियों के लिए ये परिवर्तन बढ़िया है, लेकिन बाकी राशियों के लिए, 8 राशियों के लिए ये परिवर्तन अनुकूल नहीं है। तो अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को
सादा जल अर्पित करना शुरू करिए। 10 बजे के पहले स्नान करके सूर्य देव को सादा जल अर्पित करें। सुबह ही सूर्य देव के मंत्र का जप करें जल अर्पित करने के बाद, और मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा और अब से एक महीने तक ये नियम बना लें कि रोज सुबह हरी सौंफ खा करके ही आप घर से निकलिएगा तो आपको लाभ होगा। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन उपाय करने पर आपके लिए इतना ज्यादा निगेटिव नहीं होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।